आपको। ये देखें जी, उस वक्त कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? देख लें आशा क्या हो रहा है। किचन में हूँ, काम कर रही हूँ, और वही एज यूजल हमारे यहाँ पानी का फिर इशू है। अब ये देख लें, मैंने आलू बॉइल्ड कर दिए थे, आपने देखे होंगे आलू बॉइल्ड हो गए थे। अब मैं ये आलू जो है कट कर रही हूँ। अभी चूंकि ये छोटा है मेरा कटर बोर्ड, कटिंग बोर्ड जो है, तो इसलिए मैं फिर वहाँ जमा कर रही हूँ आलू अलग बर्तन में ना। अच्छा, हम इसका खोल देंगे साथ साथ चूल्हा। ये हो गया, ठीक है। ये ऊपर रखी हुई है ऑमलेट की तरह, मैंने प्याज कट की है। इसकी प्याज जो कट होगी वो ऑमलेट की तरह होगी। ये मैं बनाने लगी हूँ खट्टे आलू, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है। आप बनाएंगी, इजी रेसिपी है और बहुत टेस्ट बहुत है इस रेसिपी में। मोटे मोटे आलू काटने हैं, ठीक है, बारीक आलू नहीं करने क्योंकि ये बॉइल्ड आलू है। ये सिर्फ हमने मसाला भूनने में ही टाइम लगेगा, जो भी लगेगा हमें, उसके अलावा इसमें टाइम नहीं लगेगा कोई भी, ठीक है। ये मैंने ऑयल डाल दिया है तकरीबन 2 चम्मच, जो मैं इसे यूज करती हूँ, ठीक है। मैंने स्पून रखा था यार, मैं वुड वाला, ठीक है। अब ये हो गई प्याज फ्राई। इतनी देर में मैं ये देखें, ये जीरा और साबुत गरम मसाला है, ओ सॉरी, जीरा और साबुत धनिया है, जिसको मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है, मैंने बस ऐसे फ्राई करना है। इसमें जब ये फ्राई हो जाएगा ना धनिया, तो इसमें थोड़ी सी हम डाल देंगे कुटी हुई मिर्च, ठीक है। मैंने लहसुन अदरक काट के रखा हुआ है, आपको पता है मैं फ्रेश करती हूँ काम जो है, ये कभी कभी मेरे लिए अपने लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। चलिए जी, ये डल गया। इसमें लहसुन अदरक सारा मैंने पीस लिया था। ये सलाद के लिए भी मैंने प्याज काटी हुई है, बादाम जो है प्याज खाते हैं। अच्छा, अब ये हो गया है, रही बिल्कुल, ठीक है। अब ये गरम ही है फ्राई पैन, तो इसमें मैं इसके साथ डाल रही हूँ ये कुटी हुई मिर्च। ये कितनी सारी डाली थी, बस ठीक है, 1.5 स्पून डाला इसमें। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू सारे जो मैंने रेडी करके रखे हैं। ये सारे बॉइल्ड आलू हैं जी, हाँ जी। ये आलू इसमें चले गए। प्याज और लहसुन अदरक और ये आलू, अब इसको आप थोड़ी देर यूँ ही छोड़ देना ताकि आलू जो है थोड़े से अच्छे से फॉर्म में। अच्छा, अब इतनी देर में ये मसाला है मेरा, उस मसाले की इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, क्योंकि आपको पता ही है धनिया जब भून जाता है तो बहुत अच्छी स्मेल देता है। ये भी इसमें डलेगा जी, यही इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है ना वो इसके, ये और ही डलेगा जी, नहीं हाँ जी, बस अभी डलेगी फौरन ही, दही डलेगी साथ में। अच्छा जी, इसका जो मेन पार्ट है ना इस आलू होगा ये और दही, नहीं करना है बस कूटना है, जैसे कूटा हुआ होता है ना, जितना हम भूनते हैं तो वो अच्छा क्रिस्प हो जाता है,
और फिर उसके बाद में पीस आराम से डालना है, तो इतना ही पीसना है बस। ठीक है, ये कर दिया। अब मैं डालूंगी ये मसाला जो है, ये सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सारा मसाला इसमें ऐड हो गया। अब इसमें चाहिए जो थोड़ा सा इसमें रोना लेके आएगी ना, फेट कर डालनी है जी। ऐसे नहीं डालनी, ऐसे तो वो किसी डालेंगे ना, तो वो ऐसे डालने में मजा भी नहीं आएगा। नमक भी अब साथ चुके, हमने नमक तो नहीं डाला था। ये नमक हमने ऐड कर दिया, 2 स्पून मैंने नमक ऐड किया इसमें। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डालूंगी, थोड़ी मैं इसमें हल्दी डालूंगी, 2 स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, और हाफ स्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। ये देखिए, ये थोड़ा सा पिसा गरम मसाला है। अच्छा जी, बस जी ये मसाला इसका ऐड हो गया। बस 5 मिनट मसाले का कच्चापन खत्म करने के लिए इसको हम रखेंगे, और ऊपर इस पर ऐड करेंगे। इस पर अब थोड़ा सा बस दो अब ये 2-3 टेबल स्पून पानी डालेगा। ये देखिए, इसको सर्व करने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, ऐड कर दिया है। देख सकते हैं इसकी शक्ल जो है यह है। इसके ऊपर मैं हरी धनिया और हरी मिर्च ऐड करूंगी, नमक मैं इसमें चख के बता देती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा कम है इसमें नमक, और बहुत मजेदार। अच्छा, इसमें ना एंड में थोड़ा सा नींबू आप ऐड कर लें अगर आपको खट्टा खाते हैं। हम नींबू नहीं खाते, हम सीधे दही लेकर आगे खाते, तो मैं लीमू नहीं खाती हूँ, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं लीमू वगैरह नहीं खा सकती हूँ। ये रेडी हो गए, रेडी हो गए। हाँ जी, बस बन गए। हाँ अच्छा जी, इतनी जल्दी जी। हाँ, मैंने कहा था ना सिर्फ मसाला भूनने की देर है। धीमे धीमे आज पे ही अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। ये देखिएगा, ये इस पे ये इसकी शक्ल है फाइनल। ये इस पे हरी मिर्च हल्दी में सब डल गया है। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक बताइएगा कैसा लगा आपको। ये तैयार हो गए खट्टे आलू, और इसमें लीमू इतना सख्त है वो मुझसे निचोड़ा ही नहीं जा रहा है। बहरहाल ये इस पे थोड़ा सा लीमू डाल लीजिएगा, और बस हम खाना खाने लगे हैं। अभी बताइएगा क्या 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 कंडीशन है। जो रीडिंग है ये बता रही है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस के करीब है, -2.3। ये इनका वो है, अगर 2.5 आती रीडिंग तो ये ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है, हड्डियों का भुरभुरापन। अब आपने करना है कि आपने डाइट में जैसे कि जंक फूड, कोला ड्रिंक, इनका इस्तेमाल बंद करना है। साथ आपने डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बढ़ाना है, ताकि जैसे दूध, दही, मक्खन, मिट्टी, अंडा, इनके इस्तेमाल शुरू करेंगी तो ये नेचुरल सोर्स है कैल्शियम की, ठीक है जी, तो आप बेहतरी होगी। फर्दर ये डाइटिशियन बैठी है, इनके साथ आप अपना डाइट प्लान बनवाइए। आप शुगर हैं तो उसको देख के आपको सजेशन देंगे अपनी डाइट के वाले। ठीक, थैंक यू। ये शैम्पू
ये लंदन के हैं। हाँ ये ट्राई करती हूँ, इस हेयर ग्रोथ का है ना मेरे पास। ये पढ़ो पिंक वाला, पिंक वाला पढ़ा दो। ये है थिक डेंसी। अच्छा ऑरेंज वाला, ये ऑरेंज, ये रेड भी है ना। ये है कलर प्रोडक्ट, कलर वाले वालों। ऑरेंज वाला, ये ऑरेंज है डैमेज रिपेयर, स्टॉप हेयर ब्रेकेज इंस्टेंटली, स्टॉप करेगा हेयर ब्रेकेज को ना। ये सही है, कौन सा सही है? ये देखा है ब्राउन वाला, इसका हेयर फॉल और डैंड्रफ नहीं है इसमें कोई? नहीं डैंड्रफ कोई नहीं है। इसमें कोई डैंड्रफ है क्या? हाँ वो ब्लू वाला, ब्लू वाला। अच्छा ब्लू हमने अभी तक देखा, ये भी है। हाँ ये रहा एंटी डैंड्रफ, ठीक है एंटी डैंड्रफ सही है। और एक ये ले लेते हैं, ये क्या है, ये कौन सा? ये लॉन्ग एंड फल ग्रोथ अच्छी करेगा। और ये पर्पल, ये लिखा है ना स्मूथ एंड स्ट्रेट, सीधे करेगा बालों को। ये सही है। हाँ ये आपके लिए डेंड्रफ वाला और हमारे लिए ये सही। और चेस में आए थे हम और यहाँ ये नए किस्म के शैम्पू आए हैं, तो हमने कहा इसको ट्राई किया जाए। और यहाँ जो है फ्री कैंपेन शुरू हुई हुई थी हड्डियों के लिए ना, विटामिन डी के लिए, तो वो अफशा बोन्स की का टेस्ट हो रहा था, तो वो अफशा का करवाया है तो वो काफी कम आया है उसका जो पॉइंट्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये आपकी जो बोन्स है ना बुरबुराहट की तरफ जा रही हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि न्यूट्रिशन के लिए मेडिसिन भी लिख के दिए। अच्छा ये शैम्पू कलर है, हमने देखे ही नहीं है ये, तो देखो ठीक है शैम्पू कलर आपके लिए। हाँ ये ले लो प्रोडक्ट, इसके क्या प्राइस होंगे? इस वाले को नहीं पता चल रहा है ना, कौन से वाले की? इस वाले, ये जो पतला वाला है ये क्या नाम है? गार्निश केचप है, और वो भी नॉर्मल केचप भी चलती है ना, वो सॉस की नजर नहीं आ रही। जो हम सॉस लेके जाते हैं वो खास कर हम लेते हैं मायने, ये 512 का हाफ के जी 982 रुपए का बन के पड़ गया भाई। अभी इसकी प्राइस भी बढ़ गई, प्राइस बहुत बढ़ा, प्राइस अभी बढ़ेगी, अभी बढ़ेगी इसकी होगी पता नहीं। दही का जूस ये 380 ग्राम है, ये हाफ के जी, हाफ के जी भी यही बन, लेकिन रेड में थी यार, ये येलो में थी, येलो में आता है। ये
यही तो दिखा रही हूँ आपको। अच्छा ये देखो सलमान की सस्ती है जैम 175 की, और जो है ना इसकी देखो ये इनकी महंगी है 215 की नीचे, और ये नेचुरल की 224 की है। इंतहा महंगा, चैज भी महंगा हो गया, इम्तियाज भी महंगा, सब महंगा, बहुत महंगा। यार आज हम चैज गए थे और बहुत थक गई, इतनी ज़्यादा थक गए कि अब हमने कहा कि घर जाके थोड़ी सी चाय पियेंगे ताकि फ्रेश हो जाए और इसके बाद खाना बना। चैज में बे इंतहा महंगाई हो गई है, इसलिए हर चीज इतनी महंगी थी। हम तो गए नहीं थे घर 15-20 दिन या महीने से, लेकिन अब गए तो पता लगा है कि जी बे इंतहा महंगाई, कुछ नहीं ले सके, बस थोड़ा बहुत सामान जरूरत का लिया था, क्योंकि वो जो नॉर्मल यहाँ और भी महंगा है, तो वहाँ से फिर भी कुछ बचत के चक्कर में गए थे, लेकिन ये कि वहाँ और जो जो चीजें हर चीज पे प्राइस ना 100-150 रुपए ऊपर रख लें, जो हम 15 दिन पहले लेके आए थे सामान उसी पे 150-150 रुपया 100 रुपए ये ऊपर ही है सब पे। और इसलिए हमने अभी कोई इतनी खास ग्रोसरी ली नहीं, जो भी लिए वो आपके साथ शेयर करेंगे, वो दिखा देंगे आपको उसमें चॉइस में देख लेंगे वो किस तरीके का है। हमें लग रही है महंगी, पता नहीं क्योंकि हुआ तो है महंगा, लेकिन ये कि लोग प्राइस बढ़ गए, लोग खड़े हुए लोग भी यही बातें कर रहे थे कि जी महंगा हर चीज ना शदीद, मुझे लग रहा है पहले से ना बढ़े हुए हैं, हालांकि ना पेट्रोल बढ़ा है ना अपना डॉलर बढ़ा है, बल्कि शायद डिक्रीज हुआ है, और इसमें जो है ये हो गया आलम। खैर बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, उनका तो यही मकसद लेना ले नहीं लेना। अच्छा तो ठीक है, ये क्या ये चैस की वीडियो, चैस की वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, जो हमने चैस में शॉपिंग की और जो बनाए जो भी चीजें थी, और उसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक जो है वो वीडियो आप तक हर वीडियो बहुत आराम से पहुंच सके। आप लोग देख रहे हैं वॉच कर रहे हैं तो काइंडली प्लीज प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, बहुत शुक्रिया आपका। और ये रहे हमारे समोसे और हम खाने जा रहे हैं, थैंक यू।